करेंगे नई उत्पाद नीति को लेकर समीक्षा हुई है। उत्पाद सचिव विनय चौबे जिलों के आबकारी अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बताया गया कि राज्य में अब 5 की जगह 6 गोदाम होंगे, राज्य भर में 1406 दुकानें होंगी। रिपोर्ट को देखिए। नई उत्पाद नीति को लेकर हुई समीक्षा बैठक, 1 मई से नई व्यवस्था होगी लागू। सीएसएमसीएल के अधिकारी भी बैठक में रहे मौजूद। 3 साल में 3000 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य। होलसेल गोदाम हम लोग करीब 6 जिलों में खोल रहे हैं, हजारीबाग प्रमंडल में 2 और बाकी प्रमंडल में 1-1। तो उनका चिन्हितीकरण हो गया है और उनका इकरारनामा आज हो जाएगा। फिर होलसेलर्स भी चयनित हो गए हैं। प्लेसमेंट एजेंसी हमारे 10 होने हैं, उनका कल परसों निविदा प्राप्त हो चुका है, वो भी आज शाम तक प्रक्रिया हो जानी चाहिए। 1 मई से राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति पूरे प्रदेश में लागू होगी। नई उत्पाद नीति को लेकर तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। 5 की बजाय 6 गोदाम होंगे पूरे राज्य में। 1406 दुकानें फिलहाल खुलने जा रही हैं। टाइमिंग वही रहेगा जो राज्य सरकार ने पहले से तय कर रखा है। दुकानों के चिन्हितीकरण और उनके इकरारनामा का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस बैठक में सभी जिलों के आबकारी आयुक्त बैठक में मौजूद रहे। अधिकारियों के विनय चौबे ने क्लास भी लगाते पूछा कि क्या वो दशहरा का मेला घूमने आए। अधिकारियों को बुधवार 12 बजे तक लिस्ट हेडक्वार्टर में जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण जो बिंदु है, एक तो कि जो दुकान है उनको चिन्हित करना, उनका किराया इकरारनामा करना। तो हम लोगों ने कुल 1564 दुकानों का लक्ष्य रखा है। 1406 दुकानें अभी तत्काल हम लोगों के पास उसका इकरारनामा और किरायानामा जो है वो आ गया है। तो हम लोग उस पर तत्काल अभी बढ़ेंगे हम लोग, और बाकी हम लोग आने वाले दिनों में उस पर जो बच गए हैं उसको खोलने की प्रक्रिया में रहेंगे। 1564 कुल दुकानें खोली जाएंगी। फिलहाल 1406 दुकानें चिन्हित की गई हैं। किराया इकरारनामा भी हो चुका है। 10 प्लेसमेंट एजेंसियों को नियुक्त किया जा चुका है। होलसेल गोदाम 5 के बजाय 6 जिलों में होंगे। हम लोग की कोशिश है कि हम लोग 30 अप्रैल के बाद नई व्यवस्था में ही काम करें। 5 हम लोग 6 रखे हैं, एज पर संकल्प मिनिमम 5 होना था। हम लोगों ने ज्योग्राफिकली, हाँ, प्रमंडल वाइज हम लोगों ने हजारीबाग प्रमंडल बड़ा है प्रमंडल, तो वहाँ हम लोग 2 रखे हैं। हम चिन्हित हो गए हैं, इकरारनामा और किरायानामा आज हो जाएगा। उसके बाद वहाँ 2 दिन है अभी तैयारी होने में, सीसीटीवी लगाना, ये सब करना, वही सब इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नई शराब नीति लागू करने को लेकर कमर कसी जा चुकी, अब 1 मई से अमली जामा देखना है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।